मुरली की तान, उठ जागरे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं 11 सितंबर 2023। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा कहे, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर, इनको ज्ञान मानसरोवर कहा जाता है। अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिल रहा है, फिर कहा कि यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता है सच तो बीठो नच, अर्थात जो सच्चे हैं वह सदा खुशी में नाचते रहते हैं। फिर कहा सब पतित से पावन, कांटे से फूल बन रहे हैं, कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलते खिलते कंप्लीट फूल बन जाती हैं। फिर बाबा ने कहा इसमें माया के तूफान आते हैं, माया की चट्टा बेटी चलती हैं, अर्थात कभी राम के बच्चे जीतते हैं, कभी रावण जीत जाता है। फिर माया से बचने व संपूर्ण खिला हुआ फूल बनने के लिए पुरुषार्थ बताया कि बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के हैं सबका बुद्धि से त्याग करो, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अपने स्वधर्म में टिको। फिर संगम युग का महत्व दिलाते हुए कहा कि यह संगम की लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, इसको अमूल्य जीवन कहा जाता है, तुम इस जीवन में बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर। फिर कहा तुमको सच्चा सच्चा व्यास बनना है, सच्ची सच्ची गीता सुनानी है, तुम्हें कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं उठाना है, क्योंकि तुम हो रूप बसंत। फिर कहा कि ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है, वह तो खेल पाल हो जाता है, खेल कूद की मार्क्स नहीं होती है, वह व्यक्त खेल है, यह फिर अव्यक्त खेल है। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? उत्तर में बाबा ने कहा फारकते दिलाने का, राम रावण से फारकते दिलाते हैं, राम फिर रावण से फारकते दिलाते हैं, यह बड़ा वंडरफुल खेल है, बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करो, देही अभिमानी बनो। आज मुरली में गीत बजा, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। बाबा कहे हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है, क्योंकि यह कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ सच्चा सत का संग भी है। सत कहा जाता है एक परमात्मा को, वह एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत के संग में हैं, तुम ब्राह्मण ही उस सत कहने वाले ज्ञान सागर के सन्मुख बैठे हो। गया भी जाता है जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात। पिया पिता को कहा जाता है, तुम बच्चों के सन्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सन्मुख है, हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं, फूल पवित्र बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रहेगा, कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती है, फट से खिल नहीं जाती, खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है, अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, अर्थात बाबा कहते अभी कोई संपूर्ण नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है, देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है, अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है, बाप है पारलौकिक पिता, यह दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे, कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, कोई कांटे भी है कोई कली भी है, कली को खिलने में टाइम लगता है, तुम सब नंबर वार कलिया हो, फूल बनने वाले हो, कोई अच्छी रीति खिलते हैं कोई आधा, एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे,
बाबा अपनी आश बता रहे हैं कि धीरे धीरे बच्चे कांटे से कली, कली से फूल बन ही जाएंगे। बगीचा तो है ना, जानते हो हम कांटे से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं, सेंटर्स खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। यह है चट्टा बेटी राम और रावण की। अर्थात बाबा कहते हैं कभी राम के बच्चे जीतते हैं, कभी रावण जीतता है। राम राम कहा जाता है, ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते हैं। यह राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। माया भी जबरदस्त है, यह खेल है एक दो को फारकती दिलाना। राम शिव बाबा तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं, माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंध आदि देह के हैं, सबका बुद्धि से त्याग करो। सर्व धर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ, यह भूल अपने स्वधर्म में टिको। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो, आत्मा समझो। इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते हैं, अशरीरी बन जाओ। बाबा कहते मेरा बनकर और मेरे को याद करो। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा, बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करो। माया भी बड़ी जबरदस्त है, बाप का बनकर फिर भी माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप को शल कोई फारकती न दे। आधा कल्प तुम मुझे याद करते आए हो, तुम ही संपूर्ण भगत तो हो ना, भक्ति भी तुमने ही शुरू की है। तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े देह को भूलते जाओ। बस अभी हमको जाना है, उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है, फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय यह बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं। बाबा कहते हैं घर जाने की स्मृति शुरू में नहीं होती है, अंत में होती है, जब नाटक पूरा होता है। तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुखधाम जाएंगे, परंतु बाप कहते हैं इस लाइफ को तो वैल्यूएबल अमूल्य कहा जाता है। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में यह बातें नहीं है, यह ब्रह्मा बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटी है उन सब को तुम जानते हो, अर्थात ड्रामा के हर पार्ट को, राज को तुम बच्चे अभी जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वह क्या जाने, यह भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता है, और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे, इनका नाम ही है गीता माता। अच्छा उनको किसने रचा, बाबा कहते हैं गीता माता जो शास्त्र है उनको किसने रचा, पहले पहले पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना, पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं यह मेरी स्त्री है, तो रचता हुआ ना, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, फिर भी कहेंगे यह हमारे हैं, बच्चे भी कहेंगे यह हमारा बाप है, तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो। बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाया कि ऐसे तुम भी मेरे बच्चे हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं, इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसी करते हैं, यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिरताज था, अभी दोनों ताज नहीं है, न होली न अनहोली। अर्थात बाबा कहते हैं ना तो अभी पवित्रता का ताज है और ना ही अभी कोई राजा का ताज रह गया है। गाया जाता है हर होलीनेस हिज होलीनेस, स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं, सन्यासी को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते ही हैं।
जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र तो हो न सके, तो अभी तुम बाप के सन्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। वह है विष की बरसात, यह है ज्ञान अमृत की बरसात। गाते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते हैं, अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है। इससे ही अमृत सर नाम पड़ा है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत हैं, मानसरोवर भी है ना। मानसरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वह है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इनको ज्ञान मानसरोवर भी कहा जाता है। ज्ञान सागर भी हैं, कोई नदियाँ है, कोई कैनाल्स हैं, कोई टुपके हैं। नंबर वार है ना, बच्चे समझ गए हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, फिर अब समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो, हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल्प पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेंगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा भारत सबसे ऊंचा था, अभी हमारा भारत सबसे नीच है। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठ था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सभी धर्म वाले भी जानते हैं कि भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में जरूर सिर्फ भारतवासी ही होंगे। गाते भी हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी पुराना भारत है। भारत हेवन था, परंतु किसी की बुद्धि में बुरा बैठता नहीं है। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप तुमको समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है, अर्थात सबको सत्य ज्ञान सत्य राह बतानी है, सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ में उठाना नहीं है, तुम तो रूप बसंत हो। बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान सुनाने के लिए कोई पुस्तक नहीं उठाना है। बाबा ने जो ज्ञान दिया है, समझ दिया है, अर्थात रूप बसंत बनाया है, वही देना है। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है और कोई गुरु गोसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सत श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है, अकाली लोग बड़ा जोर से कहते हैं सत श्री अकाल। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता है सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चे जो होते हैं वह खुशी में नाचते रहते हैं। फिर तुम वहाँ सतयुग में जाकर रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी, परंतु उसने भक्ति की। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं तो मनुष्य समझते हैं यह तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं, तुम्हारे लिए भी यह खेल पाल है। यह कोई सब्जेक्ट नहीं है, इनके मार्क्स नहीं। बाबा कहते हैं साक्षात्कार आदि करना, ट्रांस में जाकर खेल पाल आदि करना, यह कोई पढ़ाई की सब्जेक्ट नहीं है, ना इससे कोई मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स तो चार सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा से मिलते हैं। खेल कूद करने की मार्क्स नहीं होती है। यहाँ भी जो इस खेल पाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। यह तो खेल पाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। वह व्यक्त खेल, यह अव्यक्त खेल। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, यह है ही राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वह तो इन आँखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो यह तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट, प्रिंस प्रिंसेज बनना है। तुम महाराजा महारानी बनते हो, बिगर एम ऑब्जेक्ट। अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उनको क्या कहेंगे? भारत में और जो सत्संग है उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता।
तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉडफादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्सिटी को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो, अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। बाबा कहते हैं तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो अपने लिए, जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे। ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे, जो पूरे नरकवासी हैं, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है वही स्वर्गवासी होंगे। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पीस कर खत्म होंगे, आत्माएं वापस बाप के पास जाएंगी। कितना बड़ा विनाश होना है, अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ गिनेंगे, एक्यूरेट गिनती कर न सके। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बनियन ट्री का भी मिसाल बताया गया है। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें थूर फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। बाबा बड़ के झाड़ की बात कर रहे हैं। अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उनका नाम प्रायः लोप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है नहीं, सड़ा हुआ भी कुछ न कुछ निशान तो रहेगा ना। प्रायः लोप का अर्थ ही है बाकी थोड़ा रहा है, चित्र है। भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह तो बड़ा सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि का ताला लगा देती है। परमपिता परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि, मनुष्यों में बुद्धि है परंतु ताला लगा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, आत्मा को बनाते हैं। बाबा कहते हैं पारस बुद्धि आत्मा बनती है, क्योंकि बुद्धि भी आत्मा के अंदर है, बुद्धि आत्मा में रहती है ना। कहा जाता है ना तुम तो पत्थर बुद्धि हो, भैंस बुद्धि हो, यहाँ भी ऐसे हैं। कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेंगी बच्चे अंधों की लाठी बनो, सुनना और फिर सुनाना। इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है, एक जगह बैठे तो नहीं रह जाना है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो। वर्षा लेने के लिए तुम आए हो, विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए। विष्णु की विजय माला बनेंगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। तुम जानते हो बरोबर डीटी सावरंटी थी, सतयुग आदि में राजा रानी थे, अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। वह गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहेब, राय बहादुर आदि। अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है प्रैक्टिकल में, तुम हर होलीनेस, हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा कहते सब टाइटल में सर्वोच्च टाइटल है हिज होलीनेस और हर होलीनेस, जो तुम बच्चों को मिलता है। तुम पर डबल ताज है, बाबा कहते तुम पर डबल ताज है। पहले होता है होली राज्य पवित्र राज्य, फिर अनहोली अपवित्र राज्य, अभी फिर अनहोली नो राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ड्रामा को समझना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, रोज ज्ञान अमृत के मानसरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। दूसरा, यह अमूल्य संगम का समय है, इस समय श्रीमत पर चल, सर्विस करनी है, सच्चा व्यास बन, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है, रूप बसंत बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भाव। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भाव। स्पष्टीकरण है, आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है, अनेक प्रकार के दुख चिंताएं समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्मा को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव करती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए, आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहम दिल बन,
अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। आज बाबा ने कितनी विशेष सेवा दिया। बाबा कहते हैं, दुनिया में अनेक आत्माएं अनेक प्रकार की आग में जल रही हैं, और यह अनेक प्रकार की आग ऐसे अनुभव कराती है जैसे जीते हुए भी जलते हैं। उसके लिए रहम दिल बन शीतलता का, अतीन्द्रिय सुख का, शांति का अनुभव कराना है। आज का स्लोगन है, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।